अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। ओके, हमने जीके की रिवीजन करनी है। हम स्टार्ट से पहले लेंगे क्वेश्चन, लेकिन आज का जो हमारा लेसन है 7, 8 एंड 9, लेकिन हम रेपिटेशन से चलेंगे। हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको ओवरव्यू कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मटीरियल इज यूज फॉर हैंड प्रिंटिंग। वो कौन सा मटेरियल है जो हम हैंड प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं? यस, गुड, कलर्स। सेकंड क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक डिफरेंट मॉडल्स। डिफरेंट मॉडल्स को मेक करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? प्लेडो। वेरी गुड। नंबर 3, नेम द थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। उन चीज़ों के नाम बताइए जो हम रिसाइकल करके उसे यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से हम यूज़ में ले आते हैं उनको। फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक बॉटल्स, सेकंड इज़ पेपर, थर्ड इज़ ग्लास। प्लास्टिक बॉटल्स को बता सकते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं उनको? घर में हमारे कोक की बॉटल्स आती हैं, इसके अलावा अदर बॉटल्स भी होती हैं। कभी देखा है आपने कि मामा उनके साथ क्या कर रही होती हैं? मामा उनको वेस्ट नहीं करती। और गर्मियों का जो सीज़न होता है, जो समर्स का जो सीज़न होता है, उसमें मामा क्या करती हैं, बॉटल्स को वॉश करती हैं अच्छे से, उसमें फिर वाटर फिल करती हैं और उसको फ्रिज में रख देती हैं। फिर वो वाटर चिल हो जाता है और हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं। इस तरह वो काम में आ जाता है, हम उसे वेस्ट नहीं करते। और पेपर से हम डिफरेंट मॉडल्स मेक कर लेते हैं, जैसे एरोप्लेन, या कटिंग पेस्टिंग के साथ हम कोलेज वर्क भी कर सकते हैं। ग्लास, ग्लास से हम प्लांटिंग भी कर सकते हैं, डेकोरेशंस, वॉल हैंगिंग, इस टाइप की हम चीज़ें मेक करके उसको वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसको एनहेंस करके, ब्यूटीफाई करके हम अपने साथ यूटिलाइज कर लेते हैं उसको। ओके, फोर्थ इज विच प्लेस डू यू लाइक टू विजिट। वो कौन सी प्लेस है जिसे आप विजिट करना पसंद करते हैं? वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जू लाइक करते हैं, बट कुछ हैं वो पार्क्स में भी जाते हैं, प्लेइंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या है? आई लाइक टू विजिट जू। मैं जू जाना पसंद करता हूँ। ओके, M1, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सीजन इन अ ईयर। एक साल में कितने मौसम होते हैं? जी जल्दी बताइए, प्रीवियस लेसन है ना ये हमारा, हम लर्न कर चुके हैं ऑलरेडी। यस, गुड, 4 सीज़न। कितने? 4 सीज़न। अच्छा, हम इनके नेम कॉल करें, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री। वो कौन सा मौसम है जिसमें दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं? कौन सा है वो वेदर जिसमें जो है दरख्तों के जो लीफ होते हैं बेटा, वो फॉल हो जाते हैं? यस, गुड, इन ऑटम। ओके, सेवन क्वेश्चन इज इन विच सीजन द न्यू फ्लावर्स ब्लूम्स। इन विच सीजन, किस मौसम में द न्यू फ्लावर्स, नए फूल, ब्लूम्स खिलते हैं? वो कौन सा मौसम है जिसमें नए फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं, वो दोबारा से उग जाते हैं और जो हमारे ट्री हैं, प्लांट हैं, वो फ्रेश हो जाते हैं? इन स्प्रिंग, आंसर इज इन स्प्रिंग्स, मौसम बहार में। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था ना कि किस सीजन में लीफ फाल हो जाते हैं, तो वो ऑटम होता है, वो खिजां होता है। और जो नेक्स्ट उसके बाद जो सीज़न आता है उसमें न्यू फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, वो कौन से सीजन में होते हैं? इन स्प्रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज
विच मटीरियल इज़ यूज टू मेक अ पेपर हाउस, हमें अगर पेपर मीन कागज़, हाउस मीन घर, वो कौन सा मटेरियल है जो हमें कागज़ का घर बनाने के लिए यूज़ करना पड़ता है। नंबर वन सीजर्स, पेपर, ग्लू एंड मार्कर। इन विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक अ पेपर हाउस, आंसर इज सीजर्स, पेपर, ग्लू, मार्कर। ओके, अवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अर्थ लुक लाइक। अर्थ, अर्थ मीन जमीन, जमीन किसकी तरह लगती है? इट्स लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल, ये एक ब्लू बॉल की तरह लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें पानी ज़्यादा है, वाटर, अगर हम ऊपर से जाकर इसको देखें ना तो ये इसमें वाटर ज़्यादा नज़र आएगा, तो इसलिए ये हमें किस तरह की लगती है? इट्स लुक लाइक अ ब्लू बॉल। रिपीट कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। इन विच सीजन द न्यू फ्लावर्स ब्लूम्स, आंसर इज इन स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक अ पेपर हाउस, सीजर्स, पेपर, ग्लू, मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अर्थ लुक लाइक, इट लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करना है प्रीवियस लेसन को, और ये जो आज हमने न्यू लेसन पढ़ा है इसको लर्न करना है। फिर जो हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कल रिवाइज, इंशाल्लाह कल रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।